और आइए अब देखते हैं गुड मॉर्निंग 100। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर। मंगलवार रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 205.39 मीटर। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से जारी है बारिश, लैंडस्लाइड और पहाड़ खिसकने से जानमाल का भारी नुकसान, अब तक 60 लोगों की मौत। मंडी जिले में तेज, राजधानी शिमला में 16, सोलन में 11, कांगड़ा हमीरपुर में 3-3, चंबा कुल्लू और सिरमौर में 1-1 लोगों की मौत। राज्य में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की कहर के मद्देनजर स्कूल कॉलेजेस बंद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में हाई लेवल मीटिंग के बाद ऐलान किया। शिमला के कृष्णानगर विष्णु मंदिर क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा भूस्खलन हुआ, इसकी चपेट में एक साथ 6 मकान आ गए। भूस्खलन की चपेट में शिमला नगर निगम का इकलौता स्लॉटर हाउस भी धराशायी हुआ। विष्णु मंदिर क्षेत्र में बड़े स्तर पर हुए लैंडस्लाइड से 3 से 4 और मकानों के भी गिरने का खतरा। शिमला कालका रेलवे ट्रैक को भी लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ। बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया। कांगड़ा के फतेहपुर पोंग के इंदौरा में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। सेना वायुसेना के जवान लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे। कांगड़ा में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हुए और विकराल। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटे सेना के जवान। सेना का शिमला, फतेहपुर, इंदौरा और कांगड़ा में बाढ़ राहत अभियान बदस्तूर जारी है। आर्मी बोटों के जरिए दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को निकाल रही है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 7,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 4 नेशनल हाईवे सहित 827 सड़कें बंद हैं। 42,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर और 889 जलापूर्ति योजनाएं बंद हैं। लगातार बारिश से कीरतपुर नेरचौक फोर लेन को भारी नुकसान पहुंचा। घुमारवी के पनों के पास फोर लेन रोड एक तरफ से धस गई है। उत्तराखंड में भी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने कहर बरपा रखा है। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी गांव के पास भूस्खलन से रास्ता बंद हुआ। उत्तराखंड के मधमेश्वर घाटी में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जुटे। द्वितीय केदार के नाम से विख्यात मधमेश्वर के में 250 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान रस्सियों के सहारे अब तक 52 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। गुंडार गांव में बड़तोली में पुल टूटने की वजह से श्रद्धालु फंसे। उत्तराखंड में दूरदराज के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ शहरों में भी बारिश का कहर दिखा। ऋषिकेश में पानी में फंसी कार को जेसीबी के सहारे निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश से पंजाब के कई इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। पोंग डैम से ब्यास नदी में मंगलवार को 1,48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भाखड़ा नांगल डैम में भी लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पंजाब के ननगाल और श्री आनंदपुर साहिब के कई इलाकों में पानी घुसा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता सदैव अटल पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के समाधि स्थल पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। राजस्थान में बीएसपी की आज से बहुजन हिताय यात्रा। धौलपुर से शुरू हो रही 15 दिवसीय यात्रा जयपुर में होगी खत्म। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। पार्टी मुख्यालय में शाम 5 बजे होगी बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव की रणनीतियों को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस आलाकमान की आज दिल्ली झारखंड प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक। सुबह 11 बजे दिल्ली और 5 बजे झारखंड के पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी। प्रयागराज सिविल कोर्ट में आज माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ तय कर सकती है आरोप। प्रतापगढ़ जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी।
दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की बदली पहचान, अब इसका नाम होगा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की 19वें दौर की बैठक में एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमति। सोमवार को त्रिशूल में हुई बैठक का ब्यौरा विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी किया। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। दिल्ली सर्विस विधेयक 2023 को लेकर सदन में आप और बीजेपी में नोकझोंक की आशंका। महाराष्ट्र में एनसीपी टूट के बाद शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की संभावना। उद्धव और नाना पटोले सभी 48 लोकसभा सीटों को लेकर अलग अलग करेंगे समीक्षा बैठक। 16 से 19 अगस्त तक पहले चरण में 16 लोकसभा सीटों की होगी समीक्षा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में सुबह 10:30 बजे एमसीए क्लब में मीटिंग होगी। मुंबई में आज एनसीपी के दोनों गुट अलग अलग बैठक करेंगे। शरद गुट की सुप्रिया सुले सुबह 11 बजे पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ करेगी बैठक। अजित ने देवगिरी बंगले पर बुलाई विधायकों की मीटिंग। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी का आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, पहले दिन आज शिवपाल यादव और गुरुवार को अखिलेश यादव करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। यूपी के मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पर्चा दाखिल करने के बाद बीजेपी सभा की होगी साझा रैली। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को बताया डरपोक, चुनाव से भागने का आरोप लगाया, कहा जूता चप्पल चलने के डर से बिना सुरक्षा किसी पंचायत में भी नहीं जा सकते मुख्यमंत्री। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। बिंदेश्वर पाठक ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता। खिलाड़ी कुमार ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश के लिए सपूतों और कार्यक्रांतिकारियों को याद किया। पीएम मोदी ने लाल किले से भरी हुंकार, कहा अगली बार 15 अगस्त पर फिर तिरंगा फहराऊंगा और देश को उपलब्धियां भी बताऊंगा। लाल किले से पीएम मोदी ने दी 3 गारंटी, कहा भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर में हिंसा का दौर चला, मां बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ, लेकिन आज स्थिति सामान्य हो रही है, शांति लौट रही है, देश मणिपुर के लोगों के साथ है। पीएम मोदी के लाल किले से दिए भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा। खड़गे ने तंज कसा, अहंकार से भरे पीएम मोदी अगले साल अपने घर तिरंगा फहराएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार शाम राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन रखा और इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और कई देशों के राजदूत शामिल थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंची, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक, मंगलवार को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान सीएम के नजदीक पहुंचा शख्स गिरफ्तार। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का तिरंगे वाला अंदाज दिखा। दुबई की इमारत मंगलवार की रात तिरंगे के रंग केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी में जगमगाती थी। अमेरिका में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम हो रही है। वॉशिंगटन के टाइम्स स्क्वायर पर जुटे भारतीयों ने देशभक्ति के तराने गाकर आजादी का जश्न मनाया। तुर्की में भी 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, आजादी के जश्न और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंकारा का अटाकुले टॉवर भी तिरंगे की रोशनी में नहाया नजर आया। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जौहरी पर गोली चलाने वाले एक बदमाश ने खुद को गोली मार दी। पुलिस ने घिर जाने के बाद बदमाश ने खुद को गोली मारी। पुलिस ने बताया आरोपी प्रदीप यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ये सब किया। कुछ लोगों ने जौहरी राहुल सोनी को फोन कर मांगी थी रंगदारी। जौहरी को आरोपी प्रदीप यादव ने गोली मारी जब वो अपनी दुकान में बैठा था। घायल जौहरी का जयपुर में इलाज चल रहा।
तमिलनाडु के कोडैकनाल में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर तेज रफ्तार वैन के पलट जाने से एक शख्स की मौत हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भीमई गांव में दो बच्चों की मां को समुदाय विशेष के युवक द्वारा विदेश में भगाकर ले जाने का मामला सामने आया। महिला का पति मुंबई में नौकरी करता है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा में गई थी महिला, जिसके बाद घर नहीं लौटी।